पूनम सुश्री 24 में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस यम्मी रेसिपी जो कि बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आते हैं। आज हम इसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फ्रूट केक की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रूट केक बनाने। फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम ऐड करेंगे एक कटोरी सूजी। चाहे आप मोटा वाला लें या फिर बारीक वाला, जो भी सूजी आपके पास है वो सूजी आप ले सकते हैं। तो देखिए हम एक कटोरी सूजी लिए हैं। अब सेम कटोरी से नॉर्मल टेम्परेचर पे हम दूध लिए हैं और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो एक कटोरी दूध और एक कटोरी सूजी, इसे हम क्या करेंगे कि अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सूजी देखिए दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे आधा घंटा से 40-50 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए सूजी को रेस्ट किए हुए आधा घंटा हो गया है और ये बहुत बढ़िया से फूल गया है, सारा दूध ये पी लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। तो आधा कटोरी से, सेम कटोरी से ही हम सब चीज़ मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आधा कटोरी से ऊपर हम लिए हैं, थोड़ा सा कम है एक कटोरी से। तो आप चाहे तो चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर चीनी का पाउडर भी बना के ऐड कर सकते हैं। तो हम ये चीनी इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो आधा आधा कटोरी मिल्क पाउडर है, सेम कटोरी ही है। आधा कटोरी हम कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं। सभी चीज़ें आप इसी मेजरमेंट से तैयार कीजिएगा। आधा कटोरी ही हम घी भी ऐड इसमें कर रहे हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल हो गया या फिर कोई बहुत ज़्यादा एरोमा वाला तेल हो वो तेल इसमें ऐड नहीं करना है। जिसमें खुशबू ना हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप घी भी ऐड कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम इसमें ऐड कर दिए। साथ में इसी समय हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। एक साथ दूध ऐड नहीं करना है, आपको जितना ज़रूरत होगा उतना ही ऐड कीजिएगा। तो देखिए हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदा को जब भी आप यूज़ करें छलनी से छान करके यूज़ कीजिएगा ताकि लम्स ना बने इसमें। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। अगर आपके पास वेनिला एसेंस है तो वो आप ऐड कर दीजिए, नहीं तो आपके पास मिक्स फ्रूट केक वाला एसेंस है तो वो आप ऐड कीजिए। मेरे पास वेनिला एसेंस है तो हम वेनिला एसेंस डाल रहे हैं। और इसे भी मिक्स कर देना है अच्छे से। बैटर को ग्राइंड करने से पहले हम क्या किए हैं, गैस ऑन करके एक बड़ा कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, फुल फ्लेम पर अभी है। और इसमें एक हम ऐसा इस तरह का स्टैंड रख दिए हैं। हर किसी के किचन में एक स्टैंड मिल जाता है, तो आप इस तरह का स्टैंड रख दीजिए। इसमें कोई भी नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। और इसे हम क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन से इसे हम अच्छे से ढक देंगे ताकि ये बढ़िया से प्री हीट हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम ढक दिए। अब हम बैटर को ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से हमारा बैटर तैयार हो गया है और पहले से हार्ड हो गया है, यानी कि बहुत ही बढ़िया से ये ग्राइंड हो चुका है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सूजी जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो ये बारीक वाला सूजी होना चाहिए। और अगर आपके पास मोटा वाला सूजी है तो उसे पहले आप मिक्सी में उसे 2-3 बार चला लीजिए ताकि वो बारीक हो जाए। तो ये फ्रूट केक का बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर लिए हैं एक बड़ा बाउल में, ताकि जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये अभी फूलेगा। और देखिए कितना सुपर सॉफ्ट अभी हो गया है, लेकिन इतना गाढ़ा हमें नहीं रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे पहले, ताकि थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक छोटा चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच, यानी 1.5 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच छोटा चम्मच से बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं आधा नींबू का रस अच्छे से 1 चम्मच भर के। आप चाहे तो यहाँ पे एक बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नींबू, ये तीनों ना डाल करके एक इनो का शैशे आप डाल दीजिए ग्रीन वाला, तो बहुत ही अच्छा से ये काम वो भी कर देगा। जो फूलने का काम होता है वो काम इनो भी करेगा। और इनो ना डाल करके आप चाहे तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नींबू का रस डाल दीजिए। तो हम नींबू का रस इसमें यूज़ कर रहे हैं और इन सभी को हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे।
तो ये देखिए केक का बैटर हम बढ़िया से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिए हैं दूध को, और इस तरह का कंसिस्टेंसी हमारा होना चाहिए कि इस तरह से हम चम्मच से उठाएं तो रिबन कंसिस्टेंसी में गिरना चाहिए हमारा केक का बैटर। इस तरह से देखिए बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। अगर बाय चांस आपका पतला बैटर हो गया है तो आप इसमें आधा चम्मच मैदा या फिर एक चम्मच सूजी ऐड कर दीजिए, तो इस तरह का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए टूटी फ्रूटी लिए हैं, आप कलरफुल भी ले सकते हैं, ग्रीन रेड जो भी कलर मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे रेड ही लिए हैं। और इसमें हम गेहूँ का आटा डाल देंगे, थोड़ा सा डस्ट कर देंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे देखिए, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस तरह से अलग अलग रहेगा और अब हम इसे इस बैटर में आधा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे और बाकी हम थोड़ा सा रखेंगे डेकोरेशन के लिए, ऊपर से डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक केक टिन लेंगे, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, कोई भी स्टील का बाउल हो गया, कटोरा हो गया, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें आप इसे बटर पेपर डाल दीजिए या फिर इस तरह का शीट मिलता है, हमारे घर में मिल जाता है बच्चों के पास, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, प्रेस पे सेट कर देंगे, और इसे भी हम इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। और अब इस बैटर को हम इस केक टिन में आराम से डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम बैटर को डाल दिए और इसे इस तरह से 3-4 बार पैक कर देना है। अब हम इस बर्तन को हटाते हैं क्योंकि प्री हीट हो चुका है अच्छे से, देखिए बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया है। और अब हम ये केक टिन को हम इसमें स्टैंड के ऊपर रख देंगे बढ़िया से, सावधानी से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत ही गर्म है। ये बचा हुआ टूटी फ्रूटी हम इसके ऊपर नहीं डाल पाए थे तो हम इसके डाल देते हैं, अच्छे से ढक देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और 35 से 40 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल नहीं छूना है। शुरू में हमारा गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पे रहेगा, उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। तो 40 से 45 मिनट हो गया है, अब हम गैस ऑफ कर दिए और निकाल के देखते हैं, वाह कितना यम्मी, कितना डिलीशियस, कितना सुपर सॉफ्ट लग रहा है, कितना अच्छा से। अब हम देख लेते हैं अंदर तक पका हुआ है कि नहीं। एक हम चाकू या टूथपिक लेंगे, दोनों में से कुछ भी, और इसे बीच सेंटर में डाल के देखिए, देखिए कितना इजी वे में चला गया। अब निकाल के हम देखते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यानी हमारा केक बहुत ही बढ़िया से कुक हो गया है। और अब हम इसे गैस ऑफ कर ही दिए हैं, अब हम इसे ठंडा होने देंगे तब हम निकालेंगे। बर्तन को हम कढ़ाई में से निकाल देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। तो केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है बिल्कुल, अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए बहुत ही सुपर सॉफ्ट हमारा केक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा फ्रूट केक बनके तैयार है, और कितना सुपर फ्लफी हमारा केक बनके तैयार हुआ है। इसे आप चाहे तो बिल्कुल केक की तरह भी काट सकते हैं, जैसे इस तरह से भी काट सकते हैं। ये देखिए कितना जालीदार और कितना सुपर फ्लफी हमारा केक बनके तैयार हुआ है, कितना बढ़िया, कितना सुंदर बना है, कितना टेस्टी यम्मी बना है। देख सकते हैं आप कितना लेयर है, कितना जाली बना है इसमें। कोई नहीं कह सकता है कि हम इसे सूजी से बनाए हैं, और इस तरह से आप भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसे पीस में काटते हैं, अब हम इसे मैरी केक की तरह हम इसे कट कर देते हैं। देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। तो आप जैसे चाहे वैसे केक को कट कर सकते हैं अपने मनचाहे शेप में। अगर पेस्ट्रीज के शेप में काटिएगा तो इस तरह से काटिए, अगर ब्रिटानिया फ्रूट केक, मैरी केक जो हम लोग खाते हैं उस तरह से काटिएगा तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपको वैसा ही देखने को मिलेगा।
देखिए इधर भी कलर है, इधर भी कलर है, और कितना सुंदर हमारा तैयार हुआ है, कितना जालीदार बन के तैयार हुआ है। कोई नहीं कह सकता है कि हम लोग घर में बनाए हैं, बिल्कुल लग रहा है कि मार्केट से हम लोग लाए हुए हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए दोनों शेप में हमारा केक कट के तैयार है। आप इस तरह से खाना चाहते हैं, इस तरह से किसी को सर्व करना चाहते हैं तो इस तरह से करिए, या फिर इस तरह से पेस्ट्रीज की तरह रखना चाहते हैं तो पेस्ट्रीज की तरह रखिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस तरह से बना करके सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। 10 से 15 दिन तक लिए आप एयर टाइट कंटेनर डब्बा में इसे रख करके, फ्रिज में रख करके स्टोर भी करके रख सकते हैं। और बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो आप इसे जिपलॉक बैग में इसे पैक करके आप लेके भी जा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी यम्मी ये केक हमारा बना है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।